हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और ये मेरी वीडियो 7:30 से 7:45 हो रहा होगा, 7:30 से 8:45 हो रहा होगा। और पता नहीं कैसे ना ये धुंध धुंध सा हो रहा है, पता नहीं क्या मौसम में। अभी मतलब बारिश परसों हुआ ना, तो इसकी वजह से एक दिन पहले बारिश हुआ था, कल ही बारिश हुआ था सॉरी परसों कह रही थी मैं। तो अभी मेरा बड़ा बेटा चला गया है, मैं उसको मतलब भेज चुकी हूँ स्कूल, और छोटे बेटे को अभी 8 बजे जगाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कपड़े रात में लगा दिया था, कल मतलब आज गुरुवार है तो मैंने बुधवार की रात में ही कपड़े धो लिया था, क्योंकि मैं गुरुवार को मैंने बताया था, गुरुवार को झाड़ू पोछा और साबुन सर्फ मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। ये मेरी अपनी मतलब वो है, मैं वो नहीं करती, लेकिन मैं नहीं करती हूँ ऐसा शुरू से ही, और मेरी सासू माँ भी नहीं करती। तो हम लोग नहीं यूज करते हैं साबुन या बाल धोना, ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं बुधवार को रात में जो कपड़े होते हैं ना वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं लेके आई थी फैलाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय भी रख रही हूँ, अपना चाय बन रहा है, और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं कपड़े भी फैला लूँगी। और थोड़ा सा जो सुबह में चाय बाहर बैठ के पियो तो बड़ा मतलब मज़ा मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा हरा हरा सा, और मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठ के थोड़ी देर अपने आप को टाइम दो, या कुछ ऐसी जिनकी वीडियो पसंद है उनकी वीडियो बैठ के देख लो यहाँ पे, तो मतलब वो चीज़ें कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो 7:30 तक का टाइम है, और ये देखिए बेल गिरा था तो मैंने उठा के रख दिया, मेरी मेड ले जाती है, तो अभी वो आई नहीं है, जब आएगी तो ले जाएगी। तो मेरे प्लांट के पास ही बेल गिरा था, ऊपर ढेर सारे बेल हैं, मैंने दूसरी वीडियो में भी दिखाया था, तो वो रोज़ 2-3 गिरते रहते हैं, और मैं पेड़ के नीचे नहीं बैठती हूँ, मुझे डर लगता है कब गिर जाए सिर पे और फट जाएगा सिर। तो यहाँ पे मैं चाय भी लेके आ गई हूँ अपना, और बैठ के यहाँ पे पी। तो आप लोगों को मैं प्लांट दिखा रही थी, फूल भी खिले हुए हैं और प्लांट भी अच्छे हरे भरे से हैं, और उसके बाद जो है चिड़ियों की आवाज़ भी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बेटे को उठाने, 8 बज गए, इसको 9 बजे जाना होता है। तो थोड़ा सा बच्चे है ना नखरे करता है सुबह सुबह में ना, थोड़ा सा तो प्यार ढूंढते हैं ना बच्चे, कि मतलब मम्मी लोग आए थोड़ा मतलब प्यार करें, उसके बाद गोदी लेके जाएं, ऐसे टाइप से। तो है थोड़ा सा मेरा बच्चा ऐसे करता है, तो मैं भी थोड़ा सा उसको लाड प्यार सुबह सुबह कर लेती हूँ। उसके बाद उसको उठाने के बाद उसको मैं ब्रश व्रश करा के और बिठा दी हूँ, और यहाँ पे मैं उसके लिए आलू की पूड़ी बना रही हूँ। मैंने बड़े वाले बेटे को भी आलू का वो करके दे दिया था पूड़ी बना के, और मैं इसके लिए बना रही हूँ। और यहीं पर मैं अपने लिए भी 1-2 पूड़ी तल के रख लूँगी नाश्ते के लिए, कि मतलब अब फिर क्या होता है ना कि उनको उसको छोड़ के आओ, फिर पूजा वूजा करो, फिर जो है नहाओ धो पूजा करो, तो फिर लेट हो जाता है, तो फिर अपना नाश्ता लेट होता है। तो उससे अच्छा ये है कि बना के रख लेती हूँ, और मुझे गर्म अभी इतनी गर्मी हो रही है कि गर्म की कोई ऐसे शौक नहीं है, तो मैं पराठे पूड़ी नहीं बनाऊँगी अपने लिए आलू के, जो आलू बचे हैं उसको मैं रख दूँगी, ब्रेड वगैरह मैं बच्चों के लिए बन जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल पूड़ी अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पूड़ी चाहे अचार अच्छा लगता है, अब अपनी अपनी टेस्ट का वो है, मुझे तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं उसके लिए दूध भी निकाल लूँगी, तो सुबह में वो दूध ही पी के जाता है, नाश्ता नहीं करता है, तो इसीलिए मेरे दोनों बच्चों की आदत है, वो सुबह में मतलब दूध ही लेते हैं, वो कुछ ऐसे हैवी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और उनको कभी किसी दिन करा दो तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं फिर वो चीज़ क्यों करूँ जिससे मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो, तो इसीलिए मैं नहीं देती हूँ उन लोगों को। यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए भी 3-4 पूड़ियाँ बना के रख ली है, ताकि मैं फिर अपना वो कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने उसको ब्रश व्रश करा के जैसे बैठा के लिटा के गई हूँ वैसे ही लेटा है वो, एकदम सुबह में ना रोने लगता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मेरी तब तक आ गई थी मेड, तो वो भी अपना रोशनी अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो झाड़ू लगा रही थी बर्तन धोने के बाद जो है, और मैं इनके लिए कपड़े लेके आ गई हूँ, मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी। और थोड़ा सा ना उसको कुछ कुछ चीज़ें बोल बोल के ना फिर करना पड़ता है, बच्चे हैं ना उनको लगता है अभी नए नए जा रहे हैं, ऑनलाइन तो कर लिया लेकिन जो अभी जो है इनको जाने में थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन ठीक है सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो मतलब उसको तो रेडी मैंने कर दिया और चला जाता है, थोड़ा सा शुरू में वो करता है लेकिन बाद में अच्छे से चला जाता है, ऐसा नहीं है, अब बच्चे हैं तो करना पड़ता है इन लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मैं इसको रेडी कर रही हूँ।
वहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आ गई। उसके बाद जो है नहाना धोना पूजा सब हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। देखिए मेरी चाय और ढेर सारी चाय भी बन गई। और ये नहीं है ना तो सुबह में चाय लेने का मन भी नहीं करता है। इनके साथ में थोड़ा सा ना सुबह में अच्छा लगता है, चाय वाय पी लो साथ में बैठ के। लेकिन अभी क्या है कि मैं ये नहीं है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है अकेले ऐसे। लेकिन अब नाश्ते में तो लगता है ना कि थोड़ा सा मतलब चाय की आदत सी लग हो गई है, तो सब मिला के चाय पीना ही है कैसे भी करके। तो वही नाश्ता लेके बैठी हूँ यहाँ पे मैं, और थोड़ा सा टीवी चलाऊँगी और उसके बाद यहीं पे मैं बातें भी कर लेती हूँ अपनी सासू माँ से। खैर मतलब वही हैं जिससे मैं अपनी मतलब पूरे दिन का जो भी होता है मैं उनसे ही कर पाती हूँ, और तो कोई है नहीं। छोटा भाई है तो वो भाई बिजी रहता है। नाश्ता करने के बाद जो है मुझे जाना था तेल डलवाने के लिए स्कूटी में, तो क्योंकि ना तेल ख़त्म हो गया था और बिल्कुल रेड से नीचे आ गया था, और कहीं रास्ते में बंद हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं गई हूँ पेट्रोल पंप तेल डलवाने के लिए, और छोटे बेटे को लेने जाती ना तब तक तेल ख़त्म हो जाता। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा रहे तभी डलवा लो, नहीं तो फिर रास्ते में कहीं बंद हो गया, कोई दिक्कत हो गई तो मुझे घबराहट होने लगती कि मैं फिर कैसे लेके आऊँगी। तो इसी वजह से जब अभी थोड़ा सा रहता है तभी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये ना यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास जो हवा भर देते हैं टायर में, तो मैं वो भी करवा लेती हूँ वहीं पे जाने के बाद जो है, तो वो अपना हवा सही रहता है। उसके बाद जो है मैं वहाँ से आ गई थी, उसके बाद थोड़ी देर पानी वानी पिया और मतलब कुछ टीवी भी देखा, और यहाँ पे आ गई मैं चने और लौकी की दाल बनाने के लिए। तो यहाँ चने का दाल डाल दिया और लौकी काट के रखी थी, बड़े बड़े काट लिया, और उसके बाद उसमें काट दूँगी टमाटर, और इसमें हल्दी और मसाले डाल के और इसको पहले बॉईल कर लूँगी, और इसमें तड़का मैं बाद में लगाऊँगी क्योंकि ये जब उबल जाएगा तो मैं छोटे वाले बेटे के लिए निकाल लूँगी, और वो मिर्ची नहीं खाता है तो इसमें मैं मिर्ची उर्ची इसीलिए नहीं डालती हूँ। जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं अपने और बड़े बेटे के लिए मतलब प्याज और हरी मिर्ची जीरा से तड़का लगा लूँगी, तो भून के और फिर इस दाल को उसमें डाल दूँगी, और उसके लिए बिना तड़के के ही निकाल दूँगी मैं। तो वो भी लौकी खा लेगा, इसी बहाने दाल भी खा लेगा लौकी भी खा लेगा, तो बच्चों को ये सब देना ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ तो खा लेते हैं मेरे दोनों बेटे। और यहाँ पे देखिए वाटरमेलन तरबूज जिसे बोलते हैं, तो इसको भी मैं काट के छोटा छोटा रख दूँगी क्योंकि अब उसको लेने जाने का टाइम हो रहा है बड़े बेटे मतलब छोटे बेटे को, तो काट के रख दूँगी तो दोनों आते हैं तो फिर खा लेते हैं। अगर फिर मतलब थोड़ा थोड़ा दे दो तो आने के बाद जो है खा लेते हैं। और आजकल सीजन है ना तो बच्चों को खिला दो ये सब चीज़ें अच्छा रहता है। बच्चों को खैर मेरे बच्चों को तरबूज पसंद है तो इसीलिए मैं खिला देती हूँ, और सिखाना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये सब खाने के लिए। तो पानी की भी कमी अगर बॉडी में है तो ये बच्चे खा ले तो उनका पूरा हो, क्योंकि बच्चे उतना पानी पीते नहीं हो। देखिए यहाँ पे इसीलिए मैं बोतल भर के रख देती हूँ कि टेबल पे रहेगा बोतल ना, तो बच्चों को जब मर्जी तब वो निकाल के पी सकते हैं, और ऐसे फिर नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे बर्तन थोड़ा सा था तो मैं बर्तन भी वो कर लूँगी, और मेरी दाल बनने के बाद जो है चावल बोलेंगे बच्चे तो चावल, वैसे चावल खाते नहीं हैं सब, रोटी बना दूँगी मैं। तो अभी मैं जाऊंगी उनको लेने के लिए, और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च भी कट करके इसमें रख लूँगी कि ताकि दाल बन जाए तो थोड़ा, और रोटी बना दूँगी आने के बाद जो है, या टाइम लगा तो जाऊँगी मतलब वो करके भी। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये शाम का वीडियो था, बच्चों ने बनाया था, तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरे घर में आ गया, मतलब एकदम घर के सामने दरवाजे पे मोर आ गया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये देखिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर। उधर चलो, उधर चलो, उधर जाओ, उधर जाओ,
हाय गाइस, हाय गाइस,